अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ ये ब्यूटीफुल वॉल डेकोरेशन शेयर करने लगी हूँ। आज मैं आपसे ये शेयर करूँगी कि आप कैसे एक क्लास की जो वॉल है, एम्प्टी वॉल को आप कैसे डेकोरेट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं अभी देख रहे हैं कि ये वॉल पे मैंने सारे वाइट कलर के ग्लेज पेपर लगाए हैं। मैंने इस पर यही आइडिया लगाया कि वॉल जो थी वो नीचे थोड़ी ख़राब भी थी, तो उस ख़राब वॉल को मैंने कैसे सेट करना था मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं उस ख़राब वॉल पे ही सारे वाइट कलर के ग्लेज पेपर यूज़ किए ताकि ये सारी जो ख़राब वॉल है, एम्प्टी वॉल है, वो कवर हो जाए। तो उस पर यही आइडिया किया जा सकता है। जैसे मैंने नोटिस बोर्ड का आइडिया यूटिलाइज़ किया। नोटिस बोर्ड बनाने के लिए मैंने सारी ये वाइट कलर के ग्लेज पेपर यूज़ किए। जितनी बड़ी मेरी वॉल थी, एम्प्टी थी, उतने ही मैंने ग्लेज पेपर इस पर यूज़ किए। उसके बाद जैसे कि मैंने इस पर ये ब्यूटीफुल फ्लावर्स यूज़ किए, ये पैटर्न यूज़ किया है स्क्वायर शेप्स के, तो मैं आपसे शेयर करूँगी कैसे आपने इसको तैयार करना है। आपने ये जो फ्लावर्स आप देख रहे हैं, ये पेपर फ्लावर्स बने हुए हैं। इसको मैं थोड़ा क्लोज करके भी आपको व्यू दिखाऊँगी इसका। ये देखें कितने ही खूबसूरत फ्लावर्स बने हुए हैं, और ये सारे पेपर्स, कलर पेपर्स जो थे उनसे बनाए गए हैं। इनकी मेकिंग भी इंशाल्लाह मैं आपसे जल्द शेयर करूँगी। कि मैंने डिफरेंट फ्लावर्स बनाए थे डिफरेंट शेप्स के, तो इनमें मैंने बड़े साइज़ यूज़ किया, फिर मैं छोटा साइज़ यूज़ किया। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि इसमें मैंने पेपर बटरफ्लाइज भी लगाई हैं ताकि ज़्यादा अच्छा लग सके। डिफरेंट कलर्स मैंने कॉम्बिनेशन करके यूज़ किए हैं ताकि नोटिस बोर्ड जितना अच्छा लग सकता है उतना लगे। पैलेट के साथ रेड कॉम्बिनेशन यूज़ किया, ब्लैक पिंक यूज़ किया, ऑरेंज के साथ स्किन यूज़ किया है। ये सारे जो ही पेपर फ्लावर्स बने हुए हैं। आप डिफरेंट फ्लावर्स भी यहाँ पर बना कर लगा सकते हैं। बटरफ्लाइज के आप लोग चेंज करके भी बना सकते हैं। क्योंकि वॉल बहुत बड़ी थी तो इस पर नोटिस बोर्ड का आइडिया ही मैंने इस पर यूटिलाइज किया, जिससे वॉल सारी कवर हो जाए और अच्छी भी लगे। इसकी नोटिस बोर्ड की जो मैंने दूसरी साइड है, वहाँ पर भी मैंने इसी तरह से पेपर फ्लावर्स बनाकर लगाए। इनकी मेकिंग भी इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूँगी जल्द। आप डिफरेंट कलर शीट्स ले सकते हैं, उसके आप डिफरेंट फ्लावर्स बनाकर लगा सकते हैं। उन पर मैंने ये ग्लिटर फॉर्मिंग शीट भी यूज़ की है। सर्कल्स जो सेंटर में लगाए गए हैं ग्लिटर फॉर्मिंग शीट के लगाए गए हैं। इधर मैंने इस साइड पर भी कलरफुल बटरफ्लाइज लगाई हैं। यहाँ पे डिफरेंट साइजेस यूज़ किए हैं फ्लावर्स के, कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं। इसके आगे मैंने नोटिस बोर्ड की जो बाउंड्रीज हैं वो मैंने उस पर पैटर्न यूज किया है। तो मैं अभी आपको उसका व्यू भी शो करती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने इस नोटिस बोर्ड की जो बाउंड्री थी उसके लिए मैंने ये पैटर्न का आइडिया यूज़ किया है, कि मैंने स्क्वायर शेप्स कट करके मैंने इसको पैटर्न की शक्ल में यूज़ किया है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये डिफरेंट कलर्स यूज़ किए गए हैं, तो पैटर्न की शेप दी गई है। पैटर्न की सूरत में गए ताकि थोड़ा चेंज भी लगे और अच्छा भी लगे। इट्स वेरी सिंपल, बहुत आसान है बनाना। इसी तरह मैंने ऊपर की जो बाउंड्री बनाई थी उसको भी मैंने इसी तरह से यूज़ किया। डिफरेंट ग्लेज पेपर्स मैंने यूज़ किए थे। ग्लेज पेपर कलर्स थोड़े ब्राइट होते हैं, तो इसीलिए ही ग्लेज पेपर यूज़ किया गया है। और ये पैटर्न का आइडिया मैंने इस पर रियलाइज किया, तो इट मेक्स वेरी ब्यूटिफुल। स्क्वेयर्स की जगह पर हम सर्कल्स भी कट करके लगा सकते हैं, और ट्रायंगल्स यू कैन ऑल्सो यूज डिफरेंट शेप्स। और इस वॉल अभी नोटिस बोर्ड रेडी है, इसके सेंटर में आप कुछ भी लगा सकते हैं। यू कैन यूज एनीथिंग, यू कैन पेस्ट एनीथिंग ऑन इट, एक्टिविटी आप लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। ये आइडिया आपकी क्लास की किसी भी वॉल पे यूज कर सकते हैं, जिससे आपकी वॉल जो है वो ब्यूटीफुल दिखे।
इंशाल्लाह मैं आप सब मज़ीद मेकिंग्स भी शेयर करूँगी अपने काम की। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।